नमस्कार दोस्तों, जैसा कि GS1 में कल हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया था, ये लगभग लगभग सितंबर से लेकर सितंबर 2017 से लेकर फरवरी तक के पूरे करंट अफेयर्स पे डिस्कशन हुआ था। इसमें हम लोग फरवरी से लेके जो भी फरवरी का बच गया है, फरवरी 2018 से लेकर और मई 2018 तक के पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बहुत क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देख लेना चाहिए। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 82 किलोमीटर। यही यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आप जानते हैं 24-25 मई के दौरान नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट भारत आए थे, तो ये पूछा जा सकता है कि नीदरलैंड अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला किस क्रम का देश बना है? तो ये 64वां देश बना है। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में जब पेरिस समझौता चल रहा था, नवंबर दिसंबर 2015 में पेरिस समझौते के समय ही भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थापित किया गया। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक हुई है, जो कि नई दिल्ली में हुई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में आपको जानकारी और अधिक ले लेनी चाहिए। अगला देखिए, जोजिला सुरंग बनाई गई है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी और एशिया की सबसे लंबी दो विपरीत दिशाओं वाली सुरंग। इसकी लंबाई पूछा जा सकता है, तो इसकी लंबाई है 14 किलोमीटर। आप ये भी जानते हैं कि 14 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, तो पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। जिला कौन सा था? मंडला जिला। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों के एक एक जनपद में समन्वित कृषि प्रणाली विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो 9। स्वच्छ जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 9 है। आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता रहा है। जो इंडिया रैंकिंग तो 2018 आई है उच्च शिक्षण संस्थाओं में, तो इससे 8 क्षेत्रों में ये रैंकिंग जारी हुई है। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम स्थान पे शीर्ष स्थान प्राप्त इंस्टीट्यूट, तो वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु। बाकी और सब है, आप देख लीजिएगा। देखिए, इसका PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, और उसके बाद से टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अगले 24 घंटे के अंदर हम पासवर्ड प्रोवाइड करने की संबंधित अन इंस्ट्रक्शन आप तक पहुंचा देंगे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2018 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता के चरण 4 के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है? सिलवासा है। सिलवासा किसकी राजधानी है? जी बिल्कुल, यहाँ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सिलवासा किसकी राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेश है, उसी की राजधानी है। नेक्स्ट, जनवरी 2018 में नई दिल्ली में सक्षम 2018 का आयोजन किया गया, यह संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से इसका संबंध है। देखिए, 22वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2018 पे थोड़ी सी टिप्पणी कर लेते हैं हम लोग। यह ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। इसका जो मुख्य विषय है, थीम था, वो है संकल्प से सिद्धि। तो ये भी अगर पुराने क्वेश्चंस पे विचार हो तो इस क्वेश्चन को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली, चूंकि प्रथम है इसलिए इम्पोर्टेंट है। देश की पहली ब्रांड गेज वातानुकूलित EMU जो लोकल ट्रेन चलती है, उपनगरीय ट्रेनें कहाँ चलाई गई? तो वो है नई दिल्ली, पूरी तरह से AC अर्थात वातानुकूलित। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कहाँ पर देश के पहले राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? वडोदरा में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेले के बारे में आप देख लीजिएगा, 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को ने इसे मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर हुए 12वें सत्र में, तो पूछा जा सकता है कि ये 12वां सत्र कहाँ हुआ था जिसमें ये कुंभ मेले को विश्व मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में हुआ था। बाकी देख लीजिएगा कहाँ कहाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ निम्नलिखित में से ये आयोजित नहीं किया जाता कुंभ मेला, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ कहाँ आयोजित किया जाता है। ये प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य में सक्रिय बंदूक लाइसेंस धारकों की संख्या सर्वाधिक है हाल ही में गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार? तो ये है उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 3 तलाक कि जो वैधता थी उसको चुनौती देने संबंधी याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर हुई थी, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने
तीन तलाक को असंवैधानिक भी करार दिया है। तो ये याचिका किसने दायर की थी, ये पूछा जा सकता है। तो ये वर्ष 2016 में देहरादून के मुस्लिम समुदाय की एक महिला शायरा बानो ने ये याचिका दायर की थी। नाम जरूर याद करके जाइएगा। मई 2018 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की नवीनतम सूची में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है, शी जिनपिंग को। नेक्स्ट है, ये मई 2018 में वैश्विक परामर्श फर्म एटी किरने की एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें एफसीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये रिपोर्ट हर साल जारी होती है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक 2018 के अंतर्गत 25 देशों को शामिल किया गया है। 25 देशों को कहिए, 25 अर्थव्यवस्थाओं को कहिए। इस सूची में प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला है, यानी सबसे ज़्यादा एफडीआई में निवेश किस देश में हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे पे जर्मनी। भारत की रैंकिंग याद रखिएगा 11वां है, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, जबकि ब्राजील को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। चोगम 2018 के बारे में आप डिटेल में थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिएगा। 53 सदस्य हैं, तो इसके बारे में ये तीनों ही, यहाँ जो तीन पॉइंट लिखे गए एक पे ट्रिक है, लेकिन तीनों ही सही है। 26वां चोगम कहाँ होगा, रवांडा में होगा 2020 में, वो रवांडा लिखा हुआ है, रवांडा 2020 में। नेक्स्ट, अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन हर साल आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 ये रैंकिंग जारी करता है। तो द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी 24वां आर्थिक सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 130वां है, जबकि पहले ये 143वां था। बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, हांगकांग पहले स्थान पे आया है, निश्चित रूप से पढ़ के जाइएगा इसको। फिर दूसरी एक ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2017 में, चूंकि आप जानते हैं ACF का पेपर भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो वन वगैरह और पर्यावरण से क्वेश्चंस की बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से भूगोल में पर्यावरण के भाग की बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो चुकी है। तो इस रैंकिंग में बंगलुरु 21वें स्थान पर, अर्थात भारत का एक शहर है बंगलुरु, जबकि सैन फ्रांसिस्को पहले स्थान पर है। भारत को इसमें कौन सा स्थान दिया गया, 37वां स्थान दिया गया, पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की, यूनिसेफ, तो यूनिसेफ ने नवजात हेतु श्रेष्ठ और खराब देशों की सूची जारी की है, जिसमें सबसे खराब देश नवजात मृत्यु के लिए पाकिस्तान को बताया गया है, जबकि 12वां नंबर है भारत का, तो भारत की स्थिति भी बहुत ही खराब बताई गई है। अगला प्रश्न है, विश्व ऊर्जा भविष्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, आबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2019 को किस रूप में घोषित किया, मनाने के रूप में घोषित किया गया है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजेनस लैंग्वेजेज, अर्थात देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये थाईलैंड में हुआ था, अगर पुराने क्वेश्चन उठाए जाएंगे तो इसको पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को छोड़ने वाला विश्व का पहला देश कौन है, बुरुंडी है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए सबकी मैंने सूचकांक, सबका रैंकिंग और सूचकांक, जितने भी सूचकांक हैं वो एक साथ एक जगह मैंने किया हुआ है। आइए कुछ महत्वपूर्ण पे चर्चा कर ले। मानव विकास सूचकांक SDI 2018 हाल ही में जो रैंकिंग जारी हुई है, नॉर्वे पहला देश बना है, जबकि भारत का स्थान 130वां है, तो इसे देख लेना चाहिए। इसके बाद आपको इनोवेशन जो सूचकांक आया है, इंडेक्स आया है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, उसे देखना चाहिए। 57वीं रैंकिंग इसमें भारत की है। वैश्विक शांति सूचकांक में 136वीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की ये संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसके लिए जिम्मेदार है, अर्थात यही संस्था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है, इसमें भारत को 138वां स्थान दिया गया है। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 130वां स्थान, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 में 133वां, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, पढ़ के जाइएगा इसे, 81वां स्थान मिला है, न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पे है। उतना ही इंपॉर्टेंट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2017, इसमें 42वां स्थान है भारत का। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जिसमें 50 देशों में भारत का 44वां स्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018, 180 देशों में भारत की स्थिति बड़ी बुरी है, 177वें स्थान पे है, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए आप लोगों को। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक इसे भी देखिएगा, 81वें स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 भारत का 14वीं रैंकिंग है। मैं फिर बता चुका हूँ कि ACF का पेपर भी इसी के अंतर्गत पूछा जाएगा,
यानी दोनों पीसीएस और एसीएफ दोनों कंबाइंड है इसमें, तो अपर और एसीएफ के साथ आपके जब जलवायु वगैरह संबंधित यानी पर्यावरण संबंधित क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 130 से 100वां हो गया है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 100वें स्थान पे था। वैश्विक मानव पूंजी रिपोर्ट में 103वां स्थान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा मंगलोर में निर्मित दो रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कंदराओं में से एक को भरने हेतु, अर्थात दो ये टैंक थे तो एक को फिलअप करने के लिए किस देश से तेल मंगाया गया, तो ये संयुक्त अरब अमीरात से तेल मंगाया गया है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय द्वारा वर्ष 2017 में कुल कितना रुपये भारत को प्रेषित किए गए हैं, तो ये है भारत को 69 अरब डॉलर प्रेषित किए गए यानी भेजे गए हैं। भारत के बाद सबसे ज़्यादा प्रेषित धन करने वाले देशों में, प्राप्त करने वाले देशों में दूसरे स्थान पे चीन है। ये क्रम आपको चारों देख लेना चाहिए, भारत, चीन, फिलीपींस और मेक्सिको। राइज क्या है, उच्च शिक्षण संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु, ये पूरा का पूरा राइज आपको पढ़ना चाहिए। ये भी राजकोषीय घाटा 3.3 आका गया है बजट में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2018-19 के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत विद्युत आपूर्ति में वृद्धि हुई है, तो ये 23% में वृद्धि हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। देश में घरेलू मार्गों पर हवाई यात्रियों की संख्या वर्ष 2017 में पहली बार एक वर्ष में 10 करोड़ के पार पहुंची है। यूनिक घटना है, देख लेना चाहिए। परसेंटेज पूछा जा सकता है कि घरेलू मार्ग पर पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज हुई है, तो ये है 17.31% वृद्धि। 11,71,76,000 यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। नीपा वायरस पे पूरा का पूरा देख लीजिएगा, चमगादड़ द्वारा फैलता है ये। नीपा वायरस संक्रमण मुख्यतः फल खाने वाले संक्रमित चमगादड़ के खाए हुए जूठे फल से मनुष्यों एवं अन्य पशुओं में फैलता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप लेके जाइएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है, थोड़ा और डिटेल में देख सकते हैं आप इसके बारे में। अगला है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा, जालंधर में होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी अगले साल। इसका जो थीम होगा वो होगा फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जबकि 105वीं के बारे में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि मणिपुर में हुआ था। देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये है केरल में। 23 मई 2018 को नेपाल की पर्वतारोही निमा जांगमू शेरपा, नाम जरूर याद रखिएगा, ने एक सत्र में विश्व के तीन सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों में शामिल पर्वत शिखरों की चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 मई को उन्होंने सबसे पहले माउंट कंचनजंगा पर, ये तीसरे नंबर पे, 23 मई को उन्होंने माउंट कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी। इसके पहले 14 मई को वो माउंट एवरेस्ट और 29 अप्रैल को माउंट लहोत्सेक पर इन्होंने चढ़ाई की। सब नेपाल में है तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब आपको देख लेना चाहिए। पूरा का पूरा नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है, पूरा का पूरा भारत और नेपाल का जो पूरा हिमालय है जिसे नेपाल हिमालय कहते हैं, तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं नेपाल हिमालय इधर काली नदी से प्रारंभ होकर तिस्ता नदी के बीच का ये पूरा का पूरा क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये 17 मई 2018 को हरियाणा की 16 वर्षीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की सबसे युवा महिला बनी है। नेपाल की ओर से मतलब नेपाल की तरफ, मतलब नेपाल से जाकर ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अप्रैल 2018 को बारबरा पियर्स बुश का निधन हो गया था, वह कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला बारबरा पियर्स बुश। 10 अप्रैल 2018 को केंद्र सरकार ने किसे और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक नियुक्त किया है, राजेश रंजन। नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं, के विजय राघवन। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 14 मार्च 2018 को प्रसिद्ध लेखिका, पत्रकार और नारीवादी एमिली नसरलाह का निधन हो गया, वह किस देश से संबंध रखती हैं, लेबनान से। पढ़ के जाइएगा इस क्वेश्चन को।
22वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत जी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? न्यायमूर्ति UD सालवी, इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, न्यायमूर्ति UD सालवी को NGT का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये आंध्र प्रदेश ने अपना नया प्रतीक चिन्ह घोषित किया है, तो इसे भी देख लेना चाहिए। नीम को राजकीय वृक्ष, जबकि काला हिरन ब्लैक बक को राजकीय पशु, और रोज रिंग्ड पैराकीट, पैराकीट वो जो लाल रंग का चोंच वाला जो तोता होता है उसी की बात हो रही है, रोज रिंग्ड पैराकीट राज्य पक्षी बनाया गया, जबकि जैस्मिन को यानी चमेली को राज्य पुष्प बनाया गया। तो यहाँ देख सकते हैं, पूछा जा सकता है ये पक्षी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोज रिंग्ड पैराकीट। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रेकोमा से मुक्त किया है? नेपाल को मुक्त किया है। आप जानते हैं दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रेकोमा मुक्त होने वाला नेपाल पहला देश है। यह दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है, तो ट्रेकोमा के बारे में कई बातें पूछी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन बना है? तो ये शाहजहांपुर बना हुआ है। हाल ही में किस कहां पर सुकेती जीवाश्म पार्क या शिवालिक जीवाश्म पार्क की स्थापना की गई है? तो ये है हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिला, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। शत प्रतिशत सौर ऊर्जा से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाला पहला जिला सूरत है, इसे भी देख लीजिएगा। कोयम्बटूर में हाल ही में कीट संग्रहालय बनाया है, संभवतः यह देश में अपनी तरह का पहला संग्रहालय। पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम कीट संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में कोयम्बटूर। सुजलान ग्रुप द्वारा भारत का सबसे बड़ा पवन टर्बाइन जनरेटर कहाँ स्थापित किया गया है? संगानेरी तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तो ये है मिर्जापुर में, 75 मेगावाट का है ये। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क शक्ति स्थल भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? कर्नाटक में, 2000 मेगावाट का। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग की खोज की गई थी? मैक्सिको में, 347 किलोमीटर। नवंबर 2017 में किस स्थल पर उत्तर भारत के सबसे बड़े तितली कंजर्वेटरी पार्क की आधारशिला रखी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इसमें टिक नहीं लगाया है, गुरुग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुग्राम। अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला कौन सा है? कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, कमले। मार्च 2018 में झारखंड के रांची जिले में कौन सा गांव पहला शराब मुक्त गांव बना है? बनलुटवा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बनलुटवा पढ़ लीजिएगा। पूर्ण सौर ऊर्जा दक्षता हासिल करने वाला भारत का पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दीव। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना को आपको पता है कि मरणोपरांत 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार 2017, पिछले बार उत्तर प्रदेश था, 2017 में इस बार में मध्य प्रदेश को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 27वां सरस्वती सम्मान गुजराती कवि सितांशु यश चंद्र को, बहुत महत्वपूर्ण है, सितांशु यश चंद्र, फिर से देख लिए, सितांशु यश चंद। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान को मिला है, ये भी याद रखिएगा, जबकि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार गायिका आशा भोसले जी को मिला है। काफ़ी अरसे बाद इन्होंने एक बंगाली गाना भी गाया है, लगभग 35 वर्षों बाद। नेक्स्ट, प्रिज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, पूछा गया जा सकता है प्रिज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये प्रसिद्ध भारतीय आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि बालकृष्ण दोषी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसे पढ़ के जाइए, प्रिज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ये 90वें ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन हुआ था, आप जानते हैं, जिसमें द शेप ऑफ वाटर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सर्वोच्च भारत भारती सम्मान किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 27वां व्यास सम्मान ममता कालिया को मिला हुआ है, अगर पुराना प्रश्न पूछेगा तो ये सब प्रश्न आने की उम्मीद है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख से बढ़ाकर राशि कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए कर दी गई है। 27 अक्टूबर से यह प्रावधान में आ जाएगा। हरित क्रांति कृषोन्नत योजना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे भी जारी रहेगी, 2017-18 से 2019-20 तक इसको जारी रखने का फैसला किया गया है आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने। इस योजना में 11 योजनाएँ शामिल हैं।
तो आपको यहाँ से इसके बारे में जानकारी देखनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि हाल ही में हरित क्रांति कृषोन्नत योजना में 12वीं पंचवर्षीय योजना में जिसे आगे जारी कब तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। और कितनी योजनाएं शामिल है, तो 11 योजनाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना आप जानते हैं, मई में देश को समर्पित की गई थी जल विद्युत परियोजना, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 330 मेगावाट। खोए एवं परित्यक्त हुए बच्चों का पता लगाने में सहायता प्राप्त करनी है, तो किस एक देश में, यहाँ में छूट गया है, देश में खोए एवं परित्यक्त अर्थात जो खो गए हैं हुए बच्चों का पता लगाने में सहायता प्रदान करनी है, तो किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है रीयूनाइट, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लीजिएगा। 30 अप्रैल 2018 से 13 मई 2018 के मध्य किन देशों के बीच हरिमऊ शक्ति 2018 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया, तो भारत और मलेशिया। 1 मई 2018 को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिएगा, प्राक्कलन समिति के बाद दूसरी बड़ी समिति है ये, संसदीय समिति, तो एवं प्राक्कलन समिति का पुनर्गठन किया गया। प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी बनाए गए हैं, जबकि लोक लेखा समिति के मल्लिकार्जुन खड़गे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति आपको राजव्यवस्था की पुस्तक से पढ़ लेना चाहिए। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। ये द कोलेशियन ईयर्स 1996 टू 2012 पुस्तक के लेखक कौन है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी। ये अंतिम आपका आज का पूरा ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में टोक्यो में आयोजित होंगे। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल, याद रखिए वो ग्रीष्मकालीन है ये शीतकालीन है, ये बीजिंग में। अभी 18वां एशियाई खेल संपन्न हो चुका है जकार्ता में इंडोनेशिया में, 19वां 4 साल बाद होगा हांगझोंग में चीन में, जबकि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंगहम में हुआ। तो ये एक बार आपको जरूर देख लेना चाहिए, मैचिंग में पूछा जा सकता है। तो चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए, और हम तीसरे पार्ट के साथ, अब इस मई तक का पूरा कंप्लीट हो गया है, तीसरे पार्ट में जून और जुलाई का वीडियो रहेगा, और चौथे पार्ट में अगस्त और सितंबर का पूरा वीडियो, और लगभग 4 से 5 पार्ट में ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा, कोशिश क्या, पूरे परसों तक सारा का सारा वीडियो आप तक पहुँच जाएगा, इसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ बेल का ऑप्शन होगा, बेल की घंटी बजा दीजिए, तभी आपको नए वीडियो प्राप्त हो सकेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश पीसीएससी नहीं बल्कि तमाम अभी टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।